NIOS DLED केस में अभ्यर्थियों को जीत मिली और 4 सप्ताह मतलब 1 महीने का समय अभ्यर्थियों को दिया गया है बिहार शिक्षक बहाली में आवेदन करने को। ऐसे में अब जजमेंट की कॉपी आरके महाजन तक पहुंचेगी, उसके बाद अंतिम निर्णय आरके महाजन लेंगे कि कब से ये तिथि दी जाएगी। बड़ी जीत के बाद हमने बात की NIOS DLED अभ्यर्थी सोनू कुमार से, जो हमें विश्लेषित कर रहे हैं इस संबंध में। आइए आपको हम भी सोनू कुमार की बातचीत का अंश सुनवाते हैं और आगे आप समझे कि कैसे NIOS DLED अभ्यर्थियों को 4 सप्ताह का समय मिला और कैसे अब बहाली प्रक्रिया में NIOS DLED अभ्यर्थी भाग ले पाएंगे। तो जी आज पटना हाई कोर्ट में बड़ी जीत मिली और 1 महीने का समय मिला है फॉर्म आवेदन अप्लाई करने को बिहार शिक्षक बहाली में। इस पर आप क्या कहते हैं आज पटना हाई कोर्ट में आप थे? जी बिल्कुल, हम कोर्ट के अंदर में थे, 4 नंबर कोर्ट में प्रभात कुमार झा के बेंच में। आज जजमेंट हुई 10:30 बजे और उस जजमेंट में बहुत ही खुशी का न्यूज है ये, हम लोग सारे शिक्षक NIOS DLED शिक्षक 2.5 लाख जो कि जीत चुके हैं, अपने डिग्री को वैलिड करवा चुके हैं और जो सीटेट पास हैं वो नियोजन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, चाहे वो पटिशनर हो या नॉन पटिशनर हो या कोई मायने नहीं रखता है, सभी सीटेट पास शिक्षक अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में क्या दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थियों को भी ये मौका मिल सकता है? सर ये अभी असमंजस की स्थिति है, दिसंबर के संबंध में नहीं अभी हम क्लियर कर सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि जुलाई वाले को निश्चित रूप से मिलेगी। ऐसे में पटना हाई कोर्ट में क्या गहमा गहमी थी सुबह से आप उस पे? हाँ बहुत ही खुशी की लहर थी सर, 2019 में हम लोग दीपावली अनशन में गुजारे थे, आज वो दीपावली आज हम लोग के लिए रियल में आई 2020 में जी, वो पटना हाई कोर्ट के माध्यम से मिली। हम लोगों को ये विश्वास तो शुरू से ही था सर कि हम लोग सत्य के साथ में है, सत्य प्रसन्न हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं, चाहे वह हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो या ईश्वर का अदालत हो, जीत NIOS को ही मिलेगी। जज साहब ने क्या कहा, आप वहाँ थे बताइए विश्लेषित करें। जज साहब ने ये ऑर्डर जो पास पहले से ऑर्डर पास थी उसको पढ़ के सुना दिया गया जी, और उसके बाद ये बताया गया कि 1 महीने आप लोगों का नियोजन प्रक्रिया शामिल करने की तिथि दी जाती है जी, दी जाएगी, इसके लिए अब आरके महाजन को भेजा गया है, आरके ऑर्डर कॉपी हम लोग को मिलते ही आरके महाजन के पास जाकर के देंगे जी, और उसके बाद सरकार इसकी जारी करेगी, पुष्टि करेगी कब से लिया जाएगा। ऐसे में आप हमें ये बताइए कि अभी जो हाईकोर्ट का जजमेंट का कॉपी है वो आरके महाजन के पास पहुंचने के बाद क्या आरके महाजन इस पर अंतिम फैसला लेंगे? जी बिल्कुल, हाईकोर्ट का जो आदेश है वो तो अंतिम है, वो तो सरकार को मानना उनकी बाध्यता है, न्यायपालिका सर्वोच्च है जी, लेकिन वो सरकार की एक सहमति से होगी, सरकार के पास नहीं जाएगी कि हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है कि 1 महीने तक आप नियोजन प्रक्रिया में शामिल करने की तिथि दीजिए और उसके बाद ये आरके महाजन जो अपर सचिव है जी, वो जारी करेंगे। ऐसे में कितने दिन के अंदर में ये सब आपको लगता है कि हो जाएगा? सर अभी तो प्रक्रिया में समय लगेगी जी, कम से कम 1 सप्ताह मोटा मोटी मान लीजिए अभी। ठीक है, बधाई हो सोनू जी आपको और सभी NIOS DLED अभ्यर्थियों को, ये बड़ी जीत जी, आपको मिली जी। बिल्कुल, आपको भी सर बहुत बहुत बधाई सर, NIOS DLED शिक्षकों की तरफ से जी, आपको भी सर, क्योंकि आपने भी लगातार एक मीडिएटर का काम किए, आप एक बीच में एक सम्मान को स्थापित किए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, ओके। अभी आप सोनू कुमार को सुन रहे थे जो पटना हाईकोर्ट से विश्लेषित कर रहे थे कि जीत कैसे मिली और आगे क्या। ऐसे में आरके महाजन के पास जैसे ही जजमेंट की कॉपी पहुंचेगी उनके तरफ से अब आखिरी निर्णय लिया जाएगा कि कब अभ्यर्थियों को 1 महीने का समय दिया जाए। इन सभी प्रक्रियाओं में 15 से 20 दिन और लग सकता है, पर बड़ी खबर बड़ी जीत मिली है NIOS DLED अभ्यर्थियों को। ऐसे में दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थियों को भी ये मौका मिलेगा। दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी भी खुशी मनाए, ये बड़ी जीत मिली है और इसके बाद आप समझ सकते हैं कि फरवरी से मार्च 1 महीने का समय अभ्यर्थियों को मिलेगा कि अप्लाई करें, आवेदन करें सभी नियोजन इकाई में जा जाकर। ये बड़ी जीत, अब अगली लड़ाई डोमिसाइल की होनी चाहिए ये हमारा मानना है, और फरवरी माह में शिक्षा सुधार रोजगार डोमिसाइल नीति को लेकर एक बड़ा आंदोलन करेगा जिसमें आप सभी की सहभागिता अनिवार्य है। अभी की बड़ी खबर कि 4 सप्ताह का समय मिला है NIOS DLED अभ्यर्थियों को कोर्ट से जीत के बाद, और जल्द ही शिक्षक बहाली में अब NIOS DLED अभ्यर्थी भी आपको आवेदन करते नजर आएंगे। ये बड़ी खबर शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से मैं नीरज आपको दे रहा हूँ और पटना हाईकोर्ट की पल पल की अपडेट आपको दी जा रही है। ऐसे में ये खुशखबरी सीटेट अभ्यर्थियों के लिए भी है, जो दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी हैं उनको भी
मौका मिलने का रास्ता साफ हुआ है। अब देखना यह है कि वेबसाइट पर कब तक जजमेंट अपलोड होता है और आर के महाजन इस पर आखिरी निर्णय क्या लेते हैं, क्योंकि आखिरी निर्णय आर के महाजन को लेना है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, साथ में शेयर भी करें कि सभी अभ्यर्थियों को ये खबर मिले। शिक्षा सुधार रोजगार हर कदम आपके साथ।